अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है साहिल शेख। जैसे कि मैंने आपको विंडोज 8 इंस्टॉल करके बताया और उसका ऑफिशियल वेबसाइट से डेल की ओरिजिनल ड्राइवर डाउनलोड करके दिखाया है, तो दोस्तों जो मैं अपने दूसरे लैपटॉप कंप्यूटर में मैंने ड्राइवर्स डाउनलोड किया है, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको अपलोड कर दिया हूँ और अभी मैं बताऊँगा क्या वहाँ से मैंने ड्राइवर डाउनलोड करके अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे फाइल में जाकर अपने पेन ड्राइव को ओपन कर लूँगा और यहाँ पे देखे ये मेरा ड्राइवर है जिसे मैं बाहर को मूव करके निकाल लूँगा या कॉपी करके बाहर निकाल लूँगा और यहाँ पे आना है। और ये जो मैंने डीवीडी लगाया था विंडोज़ 8 के लिए, यानी अभी तक लगी हुई है, तो मुझे इजेक्ट करके बाहर निकाल देना है। डीवीडी जो है मैंने बाहर निकाल ली है और जो ये ड्राइवर कॉपी भी हो गया है, इसे डबल क्लिक कर लेना है और यस कर लेना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। तो जो दोस्तों अगर जिनका वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है या वाईफाई नहीं चल रहा है या वाईफाई में कोई मिस्टेक है, तो इसका मतलब यही है क्या आपके लैपटॉप में ड्राइवर पैक सॉल्यूशन बराबर इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि वाईफाई बहुत कम पैमाने पे ख़राब होता है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे किस तरह का लोगो आइकन बना है, नो कनेक्टेड नो कनेक्शंस आर अवेलेबल। इसका मतलब ही यानी इसके अंदर कोई ड्राइवर्स ही नहीं है, इस वजह से मैं ड्राइवर्स इंस्टॉल कर रहा हूँ। अभी देखो जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये जैसे ही इंस्टॉल होगा तो उसका आइकन सिर्फ देखना आप कैसा चेंज हो जाएगा उसका आइकन। इसी तरह की ब्लू स्क्रीन आपके बन के आ जाएगी डेस्कटॉप पे। नेक्स्ट करना है, सिंपल नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, ये इंस्टॉल हो रहा है। तो दोस्तों एक बात तो आप समझ गए रहेंगे क्या मैंने आपको लैपटॉप में पूरा फॉर्मेट करके विंडोज 8 इंस्टॉल करना बताया, विंडोज 7 करना बताया। अगर आपके पास डीवीडी नहीं है तो बूटेबल कैसे बनाना है, कैसे बूटेबल में नेट से डाउनलोड करके आपको iOS फाइल से बनाना है और कैसे विंडोज़ इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 इंस्टॉल करना है, उबंटू सॉफ्टवेयर को कैसा रिमूव करना है, हर सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया हूँ और आगे भी बताता रहूँगा। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों तक और शेयर करें। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो रहा है, आप सिर्फ आइकन पे देखें आइकन चेंज हो जाएगा, यानी इसको जैसे ड्राइवर्स में इंस्टॉल होएगा ना वैसे देखो उसका आइकन देखना। और मैंने ड्राइवर पैक सॉल्यूशन सलीम ड्राइवर से ही बताया, मेरे वीडियो में जाके देख लो, सलीम ड्राइवर करके एक ऑप्शन होगा जहाँ से सारे ड्राइवर्स डाउनलोड किए जाते हैं और इंस्टॉल किए जाते हैं। ये खास मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से कराया, डाउनलोड किया। अगर आपका लिनोवा का है, एसर्स का है, ये जो भी आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जहाँ का भी हो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाए और वहाँ से ड्राइवर इंस्टॉल कर ले। दोस्तों देखो इसका आइकन किस तरह से बन के आ गया है। अगर मैं इस आइकन पे क्लिक करूँगा तो जो ऑप्शन है मेरे वाईफाई का ऑप्शन ये है, 01234, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पासवर्ड। देखो ये अभी कनेक्ट भी हो जाएगा, कनेक्ट हो गया दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद जैसे अगर मैं कुछ गूगल वगैरह यहाँ से यूज़ करता हूँ, गूगल, तो गूगल वगैरह भी जो है उसी तरह से यहाँ पे यूज़ भी होगा। तो आप देख लीजिए देखो दोस्तों सब यूज़ हो रहा है। आप क्रोम वगैरह जो इंस्टॉल करना चाहते हैं इंस्टॉल भी कर लीजिए। इतना ही, अभी तक वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ है, इंस्टॉल होने के लिए और थोड़ा टाइम जाएगा। उसी तरह से हम रहेंगे जब तक एक सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करके मैं आपको बता दूं कि नेट किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे रन पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। यस, इसे क्लोज कर लूंगा। देखो ये डाउनलोड भी हो गया एप्लीकेशन और ये एप्लीकेशन ओपन भी हो रहा है। तो अभी तक जो है उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी नहीं हुआ है, फिर भी ये काम करने लग जाता है। इस
पे क्लिक करके देखते हैं, अभी भी इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, इसे इंस्टॉल होने देंगे पूरी तरह से। दोस्तों देखो, ये जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। अभी ये पूछ रहा है यस आई वांट टू रिस्टार्ट माय कंप्यूटर, नो आई विल रिस्टार्ट माय कंप्यूटर लेटर। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद ना आपको कंप्यूटर ना रिस्टार्ट करना पड़ता है, तो यस पे क्लिक करके जैसे मैं फिनिश कर दूंगा ना, तो बाय डिफॉल्ट मेरा कंप्यूटर जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। अगर नो करूंगा तो कंप्यूटर रिस्टार्ट नहीं होगा। तो मुझे बाद में कभी करना है तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ। तो आप दोनों में ऑप्शन भी कोई भी ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हूँ, तो इसलिए मैं अभी रिस्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों इस पे क्लिक कीजिए यस पे और फिनिश पे क्लिक कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।